हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग कोहरे का रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कोहरा ले लिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लंबे साइज़ में काट लेंगे। अगर आप आराम से छील सकते हैं तो पहले छील लीजिए, उसके बाद काट लीजिएगा, चाहे पहले काट लीजिए उसके बाद छील लीजिएगा। तो मुझे तो काट के छीलने में बहुत आसानी होता है, ताकि उसको पकड़ भी अच्छे से पाए। तो इस तरह से लंबे साइज़ में काट लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सारा बिया हम लोग निकाल देंगे। अगर आप खाते हैं, आपको पसंद है तो आप इसको रहने दीजिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद है तो मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे इसका बिया। पता है तेल में भून के खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको तेल में हल्का सा नमक दे करके तवा पे हल्का सा भून लीजिए, जो ऊपर का जब छिलका हल्का ब्राउन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको उतार करके आप खाइए, बहुत क्रिस्पी और अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा छील लिया है। अब इसको हम लोग काट लें, धो के मैंने काट लिया, धो लिया है मैंने छीलने के बाद। इसको इस तरह से हम लोग काट लेंगे। तो देखिए कट के बिल्कुल रेडी है। इस तरह से सारा मैंने काट लिया है। तो आपको जैसे काटना है उस तरह से काट लीजिए। चलिए कटिया है सब्जी। मैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें फ़ोरन में डालेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो यहाँ पे आप सरसों का जीरे का फ़ोरन दे सकते हैं, चाहे आप पचफ़ोरन भी दे सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे पचफ़ोरन दिया है, साथ में दो सूखी लाल मिर्चें और एक तेज़पत्ता को मैंने तोड़ दिया है। और थोड़ा सा हम लोग इसमें हींग डाल देंगे से टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़ा सा फिर मैंने एक दो कली बड़े साइज़ का था तो उसको मैंने काट लिया है, साथ में दो हरी मिर्च है। तो तीखा आपको जैसे पसंद है उसके अनुसार ही आप डालें। तो इसको थोड़ा सा लाल होने देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कि एक प्याज को मैंने काट लिया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान, जो कि खाने में टेस्टी है। उसको ज़्यादा मसाला दे के नहीं बनाएंगे, बहुत कम मसाले में इसमें सब्जी का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए प्याज जब भुंजा जाएगा तो हम लोग सारे कोहरे को हम लोग डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पहले मिला देते हैं और इसको हम लोग अच्छी तरह से ढक ढक करके ही भूंजेंगे। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे ये पानी छोड़ने लगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं हल्का हल्का मसाला डाल देते हैं। तो ज़्यादा मसाला कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी डाला है और हल्का सा नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से फिर से मिला देते हैं। और इसको ढक ढक करके ही भूंजेंगे। जब पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद देखिए इसमें ये पकना भी स्टार्ट हो गया, वो अपना खुद का पानी में अच्छी तरह से पक जाता है। ये हल्का सा भी और पकेगा, इसको हल्का सा इस तरह से चला देंगे। तो चलिए फिर से ढक देते हैं जब तक इसका पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो देखिए पानी बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला दिया है। अब उसको पराठे के साथ खाइए।